Hello everyone. So in this video we will be studying basic concept of single phase and three phase synchronous generator, also known as alternator. So according to your syllabus, this is second chapter. तो हम second chapter से start करेंगे. तो last video में हमने देखा कि जब भी हम किसी coil को हम किसी magnetic field में रखते हैं, वो magnetic field permanent magnet से भी बनाया जा सकता है और हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बना सकते हैं, या फिर हम मैग्नेट को भी मूव करा सकते हैं और कॉइल को हम स्टेशनरी रख सकते हैं. ईदर वे तो हम इस वाला केस कंसीडर करेंगे. इसमें हम मैग्नेट हमारे स्टेशनरी हैं और कॉइल बीच में हमने रखी है. जब हम उसको पूरा एक रोटेशन देते हैं तो उसमें एक वेव फॉर्म बनता है जो कि साइनोसॉइडल वेव से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको. तो हम देखते हैं, एक क्वाइल रखी है, उसको ए ए डैश से मार्क कर रखा है, एक एंड ए, एक एंड ए डैश. जब हम उसको इस सेंटर पोजीशन में फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम है, पर फ्लक्स कटिंग हमारी मिनिमम है, ज़ीरो है, तो वहाँ पे ज़ीरो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा. फिर धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक उस फ्लक्स कटिंग उसकी इंक्रीज होती है. तो थर्ड पोजिशन पर मैक्सिमम उसका हमारे को इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा. देन थर्ड से फिफ्थ तक अगेन वो डिक्रीज होता है थोड़ा, एंड फिफ्थ पे अगेन सेंटर पोजीशन है, ज़ीरो हो जाता है. अब ए वाला हाफ रोटेशन के बाद इधर आ जाएगा रोटेट करके, तो अब उसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था. तो अब ए इधर आ चुका है. अब यहाँ से फाइव से सेवन तक ए में हमारा इंक्रीज होगा, सेवन पे मैक्सिमम होगा, देन अगेन सेवन से वन तक वो डिक्रीज होगा. सो अब ये तो हो गया सिंगल फेज. तो ये एक सिंगल फेज जनरेटर है, उसको हम ऑल्टरनेटर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटर का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट. सो जो भी चीज़ ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करा रही है, दैट कैन बी नोन एज एन ऑल्टरनेटर. सो सिंक्रोनस जनरेटर को हम ऑल्टरनेटर के नाम से भी जानते हैं. अगर हमें ये तो सिंगल फेज की बात है, अगर हमें थ्री फेजेस प्रोड्यूस करने हैं, जो कि नॉर्मली जो भी जनरेशन है वो थ्री फेज जनरेशन ही होती है, बिकॉज इट इज़ मोर इकोनॉमिकल, ज़्यादा किफ़ायती पड़ता है हमें एक साथ तीन फेज जनरेट करना. और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आई एम श्योर आपने पढ़े होंगे. सो हम अब देखेंगे कि हम थ्री फेज कैसे जनरेट कर रहे हैं. तो इसमें एक कॉइल तो ये है हमारी ए डैश. अब इसमें हम थ्री कॉइल्स का यूज़ करते हैं और तीनों कॉइल्स जो हैं वो 120 के डिग्री पे गैप पे होती हैं. तो फॉर एग्जांपल एक कॉइल ये है वाउंड, अब एक और कॉइल हम इसी पे वाउंड करेंगे जो इसके 120 डिग्रीज अपार्ट होगी. तो इसका ये ए एंड इधर है, तो दूसरी कॉइल मैं इधर बना देती हूँ इस तरह से, और इसका इसको नेम देती हूँ बी बी डैश से. सो ए और बी में कितना डिग्री का एंगल हुआ आपका, 120 डिग्रीज. ठीक है, अब थ्री फेज है तो हमें एक और कॉइल चाहिए, वो इसके ये इसके और इसके बीच में 120 का गैप है. अब थर्ड इसके और तीसरी वाले के बीच में भी 120 का गैप होगा, तो उसको हमने इधर बना दिया. तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया. और इसको मैंने नाम दे दिया सी सी डैश. थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देती हूँ. तीन कॉइल्स हैं 120 के गैप पे, तो अब हम वेव फॉर्म ड्रॉ करते हैं. अब हम बी फेज़ के लिए देखते हैं. तो ये रेड वाला, तो रेड वाला ए फेज़ के लिए रिप्रेजेंटेड था. सो नाउ हम देखते हैं बी फेज़ के लिए, जिसको हम ग्रीन से ड्रॉ करेंगे. तो अब जो पैटर्न ऑफ वेव फॉर्म ए में बना था, बी में वो 120 डिग्री के बाद आएगा, क्योंकि हम इसको इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं. वी आर रोटेटिंग इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो हम इसको जब ये बी इस पोजीशन पे 120 डिग्री के बाद पहुँचेगा, ठीक है, तो जो चीज़ ए में हो रही थी यहाँ पे, इस पोजीशन पे जो ए में हो रहा था इस पोजीशन में, वो बी उस पोजीशन पे 120 डिग्री के बाद आएगा.
तो अब यहाँ पे ए की वेव फॉर्म ये है, तो बी की वेव फॉर्म इससे 120 डिग्री के बाद ऐसी होगी। तो मैं यहाँ पे डिग्रीज भी मार्क कर देती हूँ सेक्सेस में, तो मैं 30-30 के गैप पे बनाऊंगी। ये 0 डिग्री पे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीज पे ये हमारा मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैव 120 डिग्रीज, देन 150, 180, देन 210, 240, 270, 300, 300, 330, एंड देन वी हैव 360। सो ये मैंने 30-30 के गैप पे सारे एंगल्स बना लिए। सो अब ग्रीन वाले के लिए देखें, ग्रीन ए के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। अब जो आपका ग्रीन वाली वेव फॉर्म है उसके लिए ये वेव फॉर्म 120 डिग्री के बाद उस पोजीशन पे आएगा ये, ठीक है। तो ये 120 डिग्री के बाद हमने ये वेव फॉर्म ऐसी होगी। मतलब कि इसके लिए बी वेव फॉर्म के लिए जो वन पोजीशन पे ये फॉर बी, दिस विल बी द वन पोजीशन, ओके। यू डोंट कन्फ्यूज इट विद द पोजीशन। ये जो पोजीशन ए वन लिखा है मैंने, ये इस वाली कॉइल के लिए लिखा है। ये इस पॉइंट पे ये वाली कॉइल, रेड वाली कॉइल ए पोजीशन पे थी। 120 डिग्री के बाद जो आपकी ग्रीन वाली कॉइल है वो पोजीशन नंबर वन पे होगी, वन पोजीशन पे, ठीक है। तो और इसका मैक्सिमम अब इसके 90 के बाद होगा। देखिए 90 डिग्री, मतलब इधर पे इसका मैक्सिमम होगा ग्रीन वाले के लिए। तो इस तरह से बनेंगे। और नेगेटिव साइड में भी 90 डिग्री के बाद होगा, तो दिस इज 60 90 यहाँ पे, ठीक है। अब हम ब्लू वाले के लिए देखते हैं। तो ब्लू वाले में जो होगा जनरेशन, वो इसके भी 120 डिग्री के बाद होगा, मतलब ग्रीन वाले से भी 120 आगे होगा। तो 120 में के भी 120 के बाद, मतलब 240 से स्टार्ट होगा सेम पैटर्न उसमें। और अब इसका मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमा जो है वो 90 डिग्री पे आता है, देखिए इसके भी 90 पे आया, 30 प्लस 60 प्लस 30 90। इसके भी हम आगे ये 60 डिग्री, यहाँ पे हमारा मैक्सिमम आएगा, तो इस पोजीशन पे मैक्सिमम आएगा, ठीक है। एंड वैसे ही हम नेगेटिव साइड भी बना लेते हैं, इससे 90 डिग्री नेगेटिव इस पॉइंट पे। तरह की हमारी थ्री फेज वेव फॉर्म बनेगी। आप कोशिश कीजिए इसको और नीट बनाइए विद द हेल्प ऑफ स्केल। सो इस तरह से हमारा तीन फेज मिल जाते हैं। हमें हर एक फेज़ में आपका 120-120 डिग्री का गैप रहता है। अब यहाँ पे तो हमने बात की, जब हमारा ये जो रोटर था उस पे हमने क्वाइल्स रखी थी, तो यहाँ पे एक्चुअल में हम जो बड़े थ्री फेज जनरेटर्स होते हैं उसमें हम कॉयल को स्टेशनरी रखते हैं, उसमें भी सेम ही चीज़ होगी, वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। सो नाउ हम दूसरा केस कंसीडर करते हैं, जिसमें पहले मैंने कॉयल मूव करा रही थी, अब मैं मैग्नेट को मूव करवाऊँगी और कॉयल स्टेशनरी होगी। सो ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे एक स्टेटर है, एक रोटर है, और पहले मैंने रोटर पे कॉइल लपेटी थी, अब मैंने रोटर को मैग्नेट बनाया है। मतलब या तो आप परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं इसको, या आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, पर जिस कॉइल में मैंने करंट प्रोड्यूस कराना है उसको मैंने बाहर स्टेटर पे स्टेशनरी रखा है। सपोज़ ये इस तरह से कॉइल हमारी वाउंड होगी। अभी मैं एक सिंगल फेज का केस कंसिडर करती हूँ। तो ये हमारी कॉइल है और इसका मैंने नाम दे दिया ए ए डैश, और बीच में मैग्नेट है। और जो मैग्नेट की फ्लक्स लाइंस बनेंगी
वो कुछ ऐसे मैंने ग्लास पे बना दिए हैं, तो क्योंकि मैं इसको मूव कराना चाहती हूँ, तो ये इस तरह से होगी। आउटसाइड नॉर्थ से निकलेगी और जो ये इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ आएगी। अब इस पोजीशन पे जो ये वाली कॉइल है, इसमें हमारा फ्लक्स पासिंग तो मैक्सिमम है। पोजीशंस भी मैंने मार्क कर दी हैं, ये है पोजीशंस 1, 2, 3। सो ये जो पोजीशन है ये हमारी मैग्नेट की पोजीशन है, क्योंकि मैग्नेट को हम मूव करा रहे हैं, ठीक है। और हम सपोज इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं इसको, क्लॉक वाइज हम रोटेट करवा रहे हैं। एंड पोजीशंस नंबर 1 पे जब मैग्नेट है हमारा, तो 1 पोजीशन पे हमारा मैक्सिमम फ्लक्स आपकी लिंक कर रही है, तो बट चेंज नहीं हो रहा क्योंकि इस पोजीशन में उतनी ही रहेगी। अब थोड़ा भी मैं ऐसे भी करूँगी चाहे ऐसे करूँगी, इसको जब भी इस डायरेक्शन में जाएगा इस, तो उतनी ही पास करनी है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर धीरे धीरे जब ये मूव करेगा, तो ये जो क्वाइल यहाँ पे ऐसे रखी है इसमें से कटिंग होगी, ठीक है, तो ये कट करेंगी उससे, तो धीरे धीरे EMF इंक्रीज़ होगा। और जब इस पोजीशन पे आ जाएगा, अब नॉर्थ एंड साउथ भी चेंज हो चुका है, ये भी मुझे इस पे ही लिख लेना चाहिए वैसे, तो ये देखिए ये नॉर्थ है ये साउथ है। तो जब ये इस तरह से मूव करेगी, जब नॉर्थ हमारा यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, अब फ्लक्स आपका कॉइल कैसी है, इस तरह से रखी हुई है, ठीक है, इस तरफ से सर्कल है हमारा, ठीक है, या आप समझ लीजिए ऐसी कॉइल है बाहर जो लपेटी है और बीच से ये फ्लक्स जा रही है। तो इस पोजीशन में आप लिंकेज तो आपकी मिनिमम है, बट फ्लक्स चेंज बहुत ज़्यादा होता है इस पोजीशन में, तो मैक्सिमम होगा। तो थर्ड पोजीशन पे आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर वेव फॉर्म ड्रॉ करें तो 1 पोजीशन पे जब मैग्नेट था तो 0 था, थर्ड पे हमारा मैक्सिमम हो जाएगा, और इस कॉइल में अगेन जब 5 पे पहुँचेगा तो हमारा अगेन आपका मिनिमम हो जाएगा। अब धीरे धीरे अब क्या है, अब इसके बाहर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो गया, क्योंकि अब साउथ पोल जा रहा है उसके अराउंड, तो उसमें अब करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी एक कॉइल में। तो यहाँ से हमारा इस पोजीशन तक, इधर से यहाँ तक हमारा ऑपोजिट होता रहेगा, और अगेन जब ये 7 पोजीशन पे पहुँचेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा। तो 5 पे 0 था और 5 से 7 तक ये मैक्सिमम हो जाएगा, और अगेन यहाँ से यहाँ तक ये जब वापस आएगा तो डिक्रीज होगा। ओके, तो इस तरह से हमारा एक कॉइल का साइकिल बनेगा। और अगर हमें इसमें भी 3 फेज़ बनाना है तो मैं आपको और कॉइल्स बना देती हूँ। तो एक कॉइल तो ये थी, एक अब इसके 120 के बाद बनेगी, ये यहाँ पे है, तो ये मैंने बना दिया V, और इसका दूसरा एंड ये वाला इस तरह से कॉइल है क्योंकि ये, तो ये BB' बनेगा, ठीक है। और जो तीसरी कॉइल है वो इसके भी 120 डिग्री का पार्ट बनेगी, तो ये यहाँ पे बनेगी C, ये इसका एंड होगा और ये C'। तो इस तरह से अब ये जो मैग्नेट यहाँ पे था, ठीक है, इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो हमने देखा इस पोजीशन पे इसका 0 था। अब ये घूमता घूमता जब यहाँ पहुँचा तो इसका मैक्सिमम हुआ। अब यही चीज़ आपकी बी में कब होगी, 120 डिग्री के बाद होगी, ठीक है, मतलब जब ये आप देखिए, जब ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आ रही है ये लाइन, ठीक है, ए वाली जो एक्सिस है जब इसके परपेंडिकुलर आ रही है तब ये 0 पे है, तो बी के साथ ये परपेंडिकुलर कब आएगा। अब बी के लिए मैक्सिमम देख रहे थे हम, तो देखिए कब आएगा ये, जब बी वाला एक्सिस मैं ड्रॉ कर देती हूँ, वो है, तो जब ए में
देखिए ए में ज़ीरो कब था, जब ये इसके परपेंडिकुलर आता था, ठीक है, तो इस पोजीशन पे ज़ीरो था। अब बी के लिए वो सेम चीज़ कब होगी, ये वाला, ये है बी वाइंडिंग, जब इसके परपेंडिकुलर आएगा ये इस पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे इसके लिए मिनिमम था, और इसके लिए कब आया ये इस पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, दोनों में कितना गैप हुआ 120 डिग्री का, तो मतलब ये 120 डिग्री के बाद इसकी वेव फॉर्म स्टार्ट हो गई। सेम कंसेप्ट हमारा सी के लिए भी यूज़ होगा, मतलब जो चीज़ ए पे हो रही थी 1.8 पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो बी में उसके 120 डिग्री के बाद होगी और सी में उसके भी 120 डिग्री के बाद होगी। तो इसमें भी हमें थ्री फेज वेव फॉर्म बनेगी जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था। अभी तक हमने स्टडी किया कि हम चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट करा सकते हैं, या तो हम जो कॉइल है जिसमें करंट प्रोड्यूस कराना है, ठीक है, इन विच करंट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, उसको रोटेट करा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से हम किसी को भी रोटेट कराएंगे तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बनेगी, या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराएं या तो कॉइल को रोटेट कराएं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, और जिस कॉइल पे हमने करंट प्रोड्यूस कराना है उसको हम कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। सो बोलने का मकसद है कि फील्ड हमारी स्टेशनरी भी हो सकती है और रोटेटिंग भी हो सकती है, सिमिलरली आर्मेचर हमारा स्टेशनरी भी हो सकता है और रोटेटिंग भी हो सकता है, बट जो लार्ज हमारी सिंक्रोनस जनरेटर होता है उसमें हम प्रेफर करते हैं कि हमारा जो फील्ड है वो रोटेटिंग हो और जो हमारा कंडक्टर जिसमें हमें करंट प्रोड्यूस कराना है वो हमारा स्टेशनरी हो। तो इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में स्टडी करेंगे कि व्हाई रोटेटिंग फील्ड इज़ प्रेफर्ड इन सिंक्रोनस जनरेटर। सो थैंक यू।